कि अभी हम लोग सुल्तानपुर गांव से निकल रहे हैं, अंकल के गांव से। अंकल ने हमें अपने यहाँ ठहराया था और यहीं पर है, ये पीछे में जहाँ पर्दा लगा हुआ साड़ी का, यहीं पर हम लोग सोए थे। और उधर पीछे अंकल का पुराना घर है, वहाँ हम लोगों ने रात में खाना खाया, चावल, घी, रोटी, सब्जी और आम, यहाँ का देसी आम। और हमारा जो सामान है पूरा पैक हो चुका है। और ये मेरा पीछे का मडगार्ड का नट है, वो जो कि गिर चुका है, जो कि अंकल रस्सी से कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं उसका। आप अगर इस रूट से वापस आओ तो जरूर। हाँ चलिए अंकल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, बहुत तो अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, थैंक यू। वापस आना तो जरूर एकदम एकदम फोन करेंगे। मतलब आप जैसे लोग ना बहुत कम ही मिलते हैं। आप ठीक है, आप रास्ता में मिले, आपने यहाँ ठहरा दिए, पूरा व्यवस्था अंकल की तरफ से, कल का व्यवस्था भी था, आज भी सुबह हम लोग नाश्ता किए, उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। तो अंकल भी है कि यहाँ के रहने वाले, मतलब यही गांव है लेकिन रहते मुंबई में, अभी छुट्टी में आए हुए हैं तो हम लोग को देखे और बुला लिए। तो ये है गांव, और इधर शायद मोर भी बहुत ज़्यादा है, आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर रास्ते में मिलता है तो दिखाता हूँ। रास्ते में तो ठंडक मिलता नहीं है, इधर आए तो थोड़ा गांव है तो पेड़ पौधा है तो थोड़ा ठंडक मिल रहा था। इधर वाले इलाके में अंकल ने बताया कि नीलगाय, मोर और फॉक्स तो बहुत ज़्यादा है। नीलगाय भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े नीलगाय रहते हैं, मोर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आदमी लोग है कि उनको कुछ नुकसान पहुँचाते नहीं है। और जानवर भी है नीलगाय। बाबू अभी फिर से और एक खरीद के लाया। अरे पैसा है ना बाबू तुम्हारे पास, दिक्कत नहीं। तो पैसा सब चीज नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। बाबू कितना छोटा है लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, देखा कि बहुत दूर से आ रहा है। तो हम लोग दोनों जन के लिए ये लाई खरीद के लेके आया, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। तो हम लोग है कि आज और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, आज का ट्रैवल हम लोग का हो गया। बाबू लोग बता रहा था कि आगे में 500 मीटर में दूरी में ढाबा है, तो हम लोग वहीं पर रुकेंगे, क्योंकि उससे आगे ढाबा मिलना मुश्किल है, क्योंकि उससे आगे बस्ती है। तो और बस्ती लगभग 700 मतलब 7 किलोमीटर लगभग लंबा है, तो आज उतना हिम्मत नहीं कि 7 किलोमीटर पार कर पाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा चल रही है तो पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो हम लोग यही पास वाले ढाबे में ही रुकेंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अनमोल भुजू और आज हम लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं। लगभग सिरियारी से 82 किलोमीटर है यहाँ से। अभी हम लोग ढाबे से निकले हैं सामान वामान पैक करके। और आज हम लोग पहुँच ही जाएंगे लखनऊ, उसके बाद देखते हैं, तय करते हैं कि कहाँ जाना है। वैसे जाना तो आगे था लेकिन मौसम के चलते स्टॉपेज वहीं बनाना पड़ रहा है। आज जो हम लोग है थोड़ा जल्दी निकले हैं, और दिन होता था और दिन लेट हो जाता था, धूप निकल जाता था। आज वैसे जल्दी निकल गया क्योंकि मंजिल है जो कि सामने में, और इधर बहुत गर्मी है तो गर्मी में चलाने का भी मन नहीं करता है। कभी धूप निकला नहीं है तो ठंडा ठंडा में अच्छा लग रहा है, बस कुछ ही मिनट और उसके बाद तो धूप निकल ही जाएगा, फिर गर्मी से वही जो फटती है हमारी वही हाल होने वाली है। तो लखनऊ है यहाँ से 78 किलोमीटर, कानपुर 165, जाना तो लखनऊ है।
तो आज हम लोग बनाएंगे खाना। तो हम लोग का जो आलू प्याज था वो घट गया, तो यही जा रहे थे तो मार्केट मिला लखनऊ से 50 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं से आलू प्याज और टमाटर ले लेते हैं ताकि सब्जी बनाएंगे और खाना अभी, क्योंकि खाए नहीं हम लोग सुबह से, तो नाश्ता बनाएंगे। तो अभी हम एक जगह देखे हैं पकाने के लिए यहाँ पर पेड़ के पास, तो इधर कोई ऐसा जगह नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर एक ही जगह मिला है, तो यहीं पर पका लेंगे सोच रहे हैं, उसके बाद खा के निकलेंगे। क्योंकि ज़्यादा देर खाली पेट रहने से चलाने का मन नहीं करता, धूप है तो भूख लगता है, और आगे तो ऐसा कुछ सीन लग नहीं रहा है कि आगे कहीं छाया मिलेगा। तो हम लोग अभी पूरा सामान सब उतार दिए हैं, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है खाना बनाने के लिए क्योंकि सब सामान निकालना पड़ता है, बर्तन वर्तन सब बैग में ही है तो पूरा सामान खोलना पड़ता है, पूरा बांधा हुआ है और सरियाने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही है ये जगह रोड के किनारे, तो यही है, कुछ खाना बनाते हैं, चलिए दिखाते हैं आगे। तो ये बन रहा है हमारा दाल, दाल थोड़ा सा भूंज ले रहे। और ये अगला बन रहा है हमारा आलू का भुजिया, तो जो भी है सही है, बस पेट भरने से मतलब है। हम लोग है कि अभी कर रहे हैं यही पेड़ छाया में आराम, डेनिस सो रहा है उधर, मेरा साइकिल उधर है क्योंकि उधर वो चार्ज हो रहा है सोलर में, इसलिए उसको धूप में रखे हैं, और हम सो रहे हैं इधर। तो फकीरों वाला जो जिंदगी है ना, ऐसे ही कट रहा है बीते 5-6 दिनों से, बस ऐसे ही जहाँ मर्जी मिल जा रहा है ऐसे ही सो रहे हैं, ऐसे ही खा पी रहे हैं, जहाँ जगह मिल रहा है वही खा रहे हैं, जहाँ जगह मिल रहा है वही सो रहे हैं। ऐसे जो लखनऊ है 40 किलोमीटर है तो दूर नहीं है, शाम तक पहुँच ही जाएंगे, वैसे बहुत धूप भी, अभी चलने का भी मन तो कर नहीं रहा, और साइकिल को छोड़ दिया वहाँ पर क्योंकि बैटरी भी जो हमारा चार्ज नहीं है डिस्चार्ज हो चुका है, तो धूप वहाँ है इसलिए सोलर प्लेट लगा हुआ बांधा हुआ, तो खोलना हम चाह नहीं रहे, इसलिए कि साइकिल को हम बांध दिए वहीं पर, मतलब रख दिए वहीं पर ताकि सोलर से बैटरी चार्ज होते रहे, क्योंकि छाया में रहेगा तो चार्ज नहीं होगा, छाया में रहने से होता है ना कि बैटरी फिर से वापस माइनस में चलने लगता है, इसलिए उसको हम धूप में ही छोड़ दिए। अभी करते हैं वीडियो एडिटिंग, उसके बाद फिर निकलेंगे क्योंकि खाना पीना तो हो गया हमारा। 3 hours later तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग लखनऊ में, और अब जुगाड़ लगाना पड़ेगा, अब और नहीं चल सकते आगे, अब सिटी में आ गए हैं एकदम मेन सिटी में। दिक्कत यही होता है मेन सिटी में आने के बाद कि रात में कहाँ रुके, क्योंकि रास्ता में रुकने का जगह एकदम नहीं मिलता है, हाईवे में रहता है तो रात में कहीं भी रुक जाते हैं रास्ता किनारे। तो अब है कि हम लोगों को अब जगह देखना होगा, कोई स्कूल कॉलेज अब ढूंढते हैं, गूगल मैप पर सर्च करेंगे, अब वहीं जाएंगे, एक फ्रांसिस कॉलेज है वो दिखा रहा है, अब देखते हैं वहाँ पर, रिक्वेस्ट करते हैं फादर लोगों से, बात करते हैं अगर जगह मिल गया तो ठीक है। तो गाइस फाइनली हमें सेंट फ्रांसिस कॉलेज में एक रूम मिल गया है रहने के लिए, काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मिला, क्या करें यार, रुकने के लिए तो जगह चाहिए, यही होता है यार सिटी के अंदर। खैर हमें काफ़ी अच्छा रूम मिला है, सबके लिए सिंगल सिंगल बेड है, 3 बेड है, और कपड़ा सुखाने के लिए भी मिल गया, हम लोग कपड़ा धो के सुखा दिए हैं और खाए नहीं अभी आज रात में, कल सुबह जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और कल कॉलेज दिखाते हैं सुबह में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।